हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 केजी यानी 3 किलो फल का दाम 360 रुपया है तो 5 केजी 350 ग्राम फल का दाम कितना होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें बोला है 3 किलो फल का दाम है 360 रुपया, 3 किलो फल का दाम है 360 रुपया, तो हमें निकालना है 5 किलो 350 ग्राम फल का दाम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलो फल का दाम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 360 को 3 से भागा कर देंगे। जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 120 रुपया। तो 1 किलो का दाम आ गया 120 रुपया। हमें निकालना था 5 किलो 350 ग्राम, तो पहले 5 किलो का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जो दाम 1 किलो का आया है 120 रुपया, उसी को 5 से गुना कर देंगे। तो इसको जब 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपया। तो 5 किलो का आ गया 600 रुपया। अब बचा है 350 ग्राम फल का दाम। तो 350 ग्राम कैसे निकालेंगे, 350 ग्राम निकालने से पहले सबसे पहले हमें 100 ग्राम फल का निकालना होगा। अब 100 ग्राम कैसे निकालेंगे, जो दाम 1 किलो का है, ठीक है, 120 रुपया, तो 120 को 10 से भागा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपया। तो 100 ग्राम का आ गया 12 रुपया, 350 ग्राम, तो पहले 300 ग्राम निकालेंगे, तो 300 ग्राम कितना हो जाएगा, 12 × 3, तो 12 × 3 = 36 रुपया। 300 ग्राम आ गया, 50 ग्राम भी और बचा है तो 50 ग्राम भी निकाल लेंगे। कैसे, तो 100 ग्राम का 12 रुपया, तो 100 का आधा 50 होता है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो सब आ गया, 5 किलो का आ गया 600 रुपया, 300 ग्राम का 36 रुपया और 50 ग्राम का 6 रुपया। तब इन तीनों को जोड़ देंगे, 600 + 36 + 6 = 642, ठीक। तो 5 किलो 350 ग्राम फल का दाम आ गया 642 रुपया। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।